पंजाब आपसे दूर नहीं, आप पंजाब का इतिहास जानते होंगे। अगर साथ वाले देश ने सबसे ज़्यादा आक्रमण किसी राज्य पर किए हैं और सबसे ज़्यादा किसी राज्य ने युद्ध में प्राण गंवाए हैं तो वो पंजाब है। और फिर अगर समाज में देश सेवा में भी अगर बात की जाए तो सिखों ने एक बड़ी अहम भूमिका निभाई है। शायद आपने सुना होगा एक युद्ध हुआ था 1897 में सारागढ़ी पर। 21 सिख थे जिन्होंने अपने बलबूते पर, कहते हैं कि लगभग 10,000 पठानों की पूरी सेना खड़ी थी। उस पर अभी अभी एक सिनेमा जगत ने भी एक कहानी प्रस्तुत की है। तो 10,000 पठान किले के बाहर खड़े थे और उन्होंने कहा भी सिखों को कि हम तुमसे युद्ध करने नहीं आए हैं, हमारी दुश्मनी इन अंग्रेजों से है, तुम छोड़ दो, शस्त्र छोड़ दो। तो उन्होंने कहा कि ये युद्ध इसलिए नहीं है कि हम अंग्रेजों के सैनिक हैं, ये भूमि महाराज रणजीत सिंह की भूमि है, चाहे प्राण चले जाएं लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं। और 21 सरदारों ने अपने प्राणों की आहुति, प्राणों का बलिदान उस सारागढ़ी के युद्ध में अपने आप को दे दिया। तो युद्ध में भी कोई पीछे नहीं रहे सिख धर्म के लोग। एक भाई मुझे मिले थे तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखों के बारे में बताई थी कि हाथ में ये कड़ा पहनते हैं, इसका भी एक कारण है। पहले के समय में सिखों ने बहुत सारे युद्ध लड़े और पंजाब आपसे दूर नहीं, आप पंजाब का इतिहास जानते होंगे। अगर साथ वाले देश ने सबसे ज़्यादा आक्रमण किसी राज्य पर किए हैं और सबसे ज़्यादा किसी राज्य ने युद्ध में प्राण गवाए हैं तो वो पंजाब है। तो वहां के लोगों की युद्ध की बड़ी शक्ति हुआ करती थी। हाथ में वो पहनते हैं, मुझे नाम याद नहीं उसको, कुछ कहते हैं। और फिर सर पर पगड़ी बांधने का भी उन्होंने कहा कि जब कभी युद्ध भूमि युद्ध लड़ते लड़ते कोई घायल हो जाए, चोटिल हो जाए, तो एक सरदार अपनी पगड़ी जो किसी कीमत पे नहीं उतारता है लेकिन उस घायल की उस चोट को ठीक करने के लिए उस अपनी पाग को उतारता है और उसकी चोट पर बांधने के लिए वो काम आती है। तो बहुत अद्भुत इतिहास रहा है सिख धर्म का और गुरु नानक का।